एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ग्लूकोज और इंसुलिन, इन दोनों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गई है। होता क्या है कि जब हमारा पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फिगर में तीन तरह के पैनक्रियाज दिख रहे होंगे कि हेल्दी पैनक्रियाज, मतलब जब आदमी स्वस्थ है तो पैनक्रियाज का क्या रोल होता है और पैनक्रियाज कैसा रहता है। ठीक है, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो गया है तब क्या होगा और टाइप 2 डायबिटीज है तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका पैनक्रियाज हेल्दी है। अगर पैनक्रियाज हेल्दी स्वस्थ होगा तो इंसुलिन का निर्माण बराबर होगा। ठीक है, अब इंसुलिन बराबर बन रहा है। अब ग्लूकोज क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हमारी सेल है, इसको हम बोलते हैं सेल, मतलब हमारी जो कोशिका होती है हमारे शरीर में। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ता है, तो उसके बाद जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन में जो है हर एक सेल जो होती है उसमें एक इंसुलिन रिसेप्टर बने होते हैं, मतलब जो ग्लूकोज को अपनी तरफ खींचते हैं। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज बना, हम जो भी खाना खाया उसका ग्लूकोज बना और इंसुलिन यहाँ पे जो है इस अपने रिसेप्टर पे आके बैठा और यहाँ से ग्लूकोज को जो है सेल में खींच लिया। तो होता क्या है कि हमारे ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसको इंसुलिन कम कर देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई खाया और आपका ग्लूकोज लेवल 300-400 जा रहा है, तो ये इंसुलिन का काम है कि उसको वो जो है अपना 200 से कम लाएगा, 150 से कम लाएगा, 100 से कम लाएगा, फास्टिंग और मतलब जो है खाने का जैसा भी हो। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है इससे इंसुलिन बनता ही नहीं है। अब अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो जो हमारे, अब इसमें इंसुलिन बन नहीं रहा है लेकिन जो रिसेप्टर है, मतलब जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो ठीक है। तो होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ में, अगर हम लोग बाहर से जो है मतलब मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हैं तो वो क्या करता है, वो अलग से इंसुलिन जो है हमारी सेल में ग्लूकोज को खींचता है इंसुलिन के द्वारा और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है। ठीक है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। टाइप 1 में आप टैबलेट दे देंगे तो वहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और होम्योपैथी में तो मतलब जो है पूरा केस लेके जो है आप वहाँ से मतलब जो मेडिसिन लेंगे वो ठीक करेगा आपके शरीर को। अब टाइप 2 डायबिटीज़ को देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन बराबर होता है, मतलब जो ग्लूकोज को कम करने का हमारे पास साधन इंसुलिन वो बराबर बन रहा होता है, लेकिन जो रिसेप्टर है मतलब जो ग्लूकोज को इंसुलिन के द्वारा सेल में लेके जाता है, हमारी कोशिकाओं में लेके जाता है, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है हमें बढ़ा हुआ मिलेगा और हम जो है, अब इसका अगर कारण देखा जाए तो बहुत सारे हैं, मतलब जो है आपका किसी को मोटापा आ रहा है, खा बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है ना, तो ये सब कारण है। तो ये मैंने आपको बताया कि मतलब पैनक्रियाज अगर स्वस्थ है तो मतलब कैसे चलता है आपका डायबिटीज, मतलब शुगर कैसे कंट्रोल होता है, और अगर आपको टाइप 1 हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, टाइप 2 हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।